सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को कीजिए प्रेस। तो दोस्तों वेलकम बैक, स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये मेरे होंडा यूनिकॉर्न 150 की दोस्तों पेट्रोल टैंक है। दोस्तों इसमें दोस्तों इसका ऊपर का जो कवर है, मतलब इसका जो ढक्कन है दोस्तों, वो दोस्तों मुझे रिमूव करना है। तो उसके जो एलिंग की दोस्तों बोल्ट्स जो होते हैं वो बाहर नहीं निकल रहे, इसलिए दोस्तों मैंने ये सोचा कि ये टंकी वेल्डिंग वाले के पास ले जाई जाए। तो दोस्तों ये हमारे वेल्डिंग वाले भाई है, तो दोस्तों ये इसे निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और फाइनल दोस्तों हम इसे निकाल ही देते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेसिंग मैं आपको बताना चाहता था कि कैसी होती है। तो देख सकते हैं ये हीट करके पहले उसे पूरी तरह से हीट करते हैं, उसके बाद दोस्तों निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों हमें जो है पेट्रोल टैंक हमें बाइक से रिमूव करके उसे अच्छी से फोम वॉश करके फिर बाद में दोस्तों वो हमारे वेल्डिंग वाले भाई के पास हम लेके आए। तो दोस्तों सबसे पहले उसे वॉश करना पड़ता है, उसके बाद दोस्तों जाके ये प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, नहीं तो दोस्तों बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसके लिए दोस्तों बहुत सावधानी से करें। फिर दोस्तों ये टैंक हमने ये हमारे भाई के पास लाई, उनका दोस्तों प्रोसेसिंग आपके सामने स्टार्ट है। तो इसी तरह कर करके गर्म कर करके हमने फिर फाइनली इसे बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखिए और साथ ही में दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ठोक दीजिए। तो दोस्तों बहुत कोशिश करनी पड़ी इसके लिए, ये निकालने के लिए दोस्तों, क्योंकि बहुत हीट करना पड़ता है और एक ही बोल्ट था दोस्तों जो निकल नहीं रहा था। तो दोस्तों वो एक बोल्ट के लिए हमें फिर बहुत परेशानी उठानी पड़ी। उसके बाद दोस्तों एलिंग की बोल्ट्स अवेलेबल भी नहीं है, तो दोस्तों हमने हार्डवेयर से स्क्रू लेके 7 नंबर स्क्रू बोल्ट लेके हमने इसे फिट कर दिया। तो दोस्तों इसी तरह प्रोसेसिंग करके हमने इसे बाहर निकाला। ये देखिए इस तरह कुछ थोड़ा बहुत करके बाहर आ ही गया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।